मैं इस पर आना चाहती हूँ परमहंस जी, जब चर्चा हो रही है राम की, अयोध्या बदल रही है, और जब भी मैं कहती हूँ अयोध्या बदल रही है तो लोग ये कहते हैं कि बदल नहीं रही है मीनाक्षी जी, दरअसल ये तो अपना मूल स्वरूप दिखा रही है, उसे उजागर कर रही है। जी देखिए, मेरे पास एक दिना कुछ राजनेता लोग आए थे, अपोजिशन वाले ही रहे होंगे, उनकी भाषा से ऐसा लगा, कहे गुरु जी मोदी जी ने देश को बहुत पीछे कर दिया। हमने कहा त्रेता युग में पहुंचा दिया, और क्या चाहिए। देश जो त्रेता युग में अयोध्या का स्वरूप था, वह योगी और मोदी के प्रयास से फिर से झलक दिखने लग गया है। और मेरा मानना है कि एक बार राम राज जो है त्रेता युग में आया था, और दूसरी बार राम राज 22 जनवरी 2024 को आ रहा है। अब ये बात ये अलग है कि वादी भद्रम न पश्यति, कहते हैं ना कि जो जिनके मस्तिष्क में जैसे दिन में बहुत कुछ है, ऐसे भी लोग हैं जिनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता, जैसे उल्लू है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता भैया, कितना भी प्रकाश हो उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता, उसके आंखों का दोष है। तो जो लोग जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति पर जिन टिके थे, अब देख रहे हैं भैया जनता सिर्फ राष्ट्रवाद को महत्व दे रही है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए अभी हमारे पास कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम आए थे, वो हमारे साथ बैठ के एक हमने 300 फीट का दीपक बनवाया है, विश्व का सबसे बड़ा दीपक, रामलला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव पर प्रज्वलित करेंगे, पूजन किए वो। हमारा ये कहना है कि राजनीति का स्वरूप अब थोड़ा सुधार लिया जाए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अच्छा काम अगर हो रहा है तो उसका सब लोग समर्थन करें, और अगर गलत कोई भी कर रहा है, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, अगर गलत कर रहा है तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये भारतीय राजनीति का स्वरूप होना चाहिए। अब श्रवण जी मुझे ये बताएं कि एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अब न्याय का सबसे बड़ा प्रतिमान तो खुद राम है, राम के नगरी की यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे। बिल्कुल आपने बहुत सही, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी महाराज जी ने हमारे कहा राम राज्य की, और शायद आपका शो भी वही है राम के नाम पे। आज देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मैं टीवी मीडिया और तमाम उन पत्रकारों से कहना चाहूंगा, मोदी जी गाय को चारा तो खिलाते हैं, वो टीवी में चल जाता है, लेकिन जब कोई भी आज देश में महंगाई की बात कर लेता है, रोजगार की बात कर देता, कैसी राम राज्य की परिकल्पना करना चाहते हैं आप, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना चाहते हैं। जो चारा में ही घोटाला कर जाता है उसे आप परिकल्पना कर लेते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जमीन को जो लोग खाने का काम किया, जो चारा में ही घोटाला कर लेता है उससे तो आप गठबंधन कर लेते हैं। मैं वही कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं सब जवाब दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप बताइए, ये राम राम और सनातन के हिंदू के जिस तरीके से अपने आप को बताते हैं, मैं उसी का विराट हूँ। अगर आप चंदन लगाएंगे तो आप हिंदू नहीं भाजपा के नहीं है, ये कौन सी प्रदर्शिता है, कौन सी पारदर्शिता है, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है 24 का अधूरे। चंदन और तिलक पर तो सवाल नहीं है ना, राहुल जी भी कहते हैं मैं शिव को पढ़ रहा हूँ, राहुल जी भी चंदन लगा रहे हैं तिलक लगा रहे हैं, ये कैसे राम द्रोही हो गए जो 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं। क्या अरे तुम चंदन नहीं लगाया, तुम चंडाल हो गए। अरे मैं महाराज जी वही लगाया, हम महाराज जी ने बड़ा चंदन लगा लिया है, जो बड़े भक्त भगवान के थोड़ी लगाओगे चंडाल हो जाओगे भैया। आपके भक्ति पर कोई शक नहीं, मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकता हूँ कि राम भक्त नहीं है, हम इसी अयोध्या में पड़े पड़े इसी गलियों में पड़े हैं। अरे तुम तो कौन करता है, अरे सोनिया एंटोनो माइनो को बोल रहे हैं, राहुल गांधी राहुल बाड़ी राहुल बाड़ी को बोल रहे हैं।